तो है दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो हम कैसे बना सकते हैं अपने फोन से और अपने एंड्रॉयड फ़ोन से गेमिंग थंबनेल बनाने के लिए सबसे इजी तरीका है। तो सबसे पहले अपने पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है, ठीक है। अपने पिक्सल लैब को ओपन करने के लिए जो टैक्स आएगा तो इसको थोड़ा सा डिलीट कर देना और उस पर थ्री डॉट पर क्लिक करने के लिए इमेज सिर्फ इस पर क्लिक करके और जो इस पर आकर यूट्यूब थंबनेल पर ओपन कर देना, ठीक है। अब इस पर क्लिक करने का सबसे पहले जो प्रॉब्लम पेज पे आ जाना है, उस पर कलर पे आ जाना है, ठीक है। इस पर कलर पे आने के बाद आपको ऊपर चले जाना है, उस पर ऊपर चले जाने के बाद और आपको ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब जैसे ही ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लिया तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो अब जैसे ही मैं इसको ब्लैक कलर सिलेक्ट करने के बाद चलो इसको विंडो गिरा के उसको ऑटो ऑन तो सही, ठीक है। इसको मैं ऐसे करके बना देता हूँ, ठीक। अब इसको जैसे बैकग्राउंड मैंने इसको यूज कर दिया है और मैं उस पर प्लस वाले पे ओपन करना और फ्रॉम गैलरी पे ओके कर देना, ठीक है। फ्रॉम गैलरी पे ओपन करने के बाद और जैसे कि मैंने ये थंबनेल लिया, ठीक है, ये फ़ोटो, इस फोटो पे ओके करने के बाद और आपको इसको क्रॉप कर लेना है, ठीक है। जैसा अच्छे तरीके से मैं कर रहा हूँ क्रॉप, वैसी वैसी आप लोगों को कर लेना चाहिए। अब इसको मैं जैसे दूसरा ग्लेयर पे ले लेता हूँ, ठीक है। इसको दूसरा लेने के बाद अरे यार ये तो वही है, चल इसको डिलीट मार देता हूँ, ठीक है। एक एक करके बना लेता हूँ। अब जैसे इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो इसको थोड़ा ए वाले ऑफ पे आके अरे कहाँ है आई ये, तो आपको इस पर चले जाना है शेडोल पे, ठीक है। इसको ब्लीच में कर देना एकदम बीच में, इसको बीच में कर लेना, ठीक है। बीच में करने के बाद जैसे जैसे मैं करूँ वैसे वैसे आपको कर लेना, इस पर चले जाना और साइडों को बढ़ा लेना थोड़ा, ठीक है। साइडों को आप जैसे कलर के रखना चाहोगे तो वैसे कलर हो जाएगा, जैसे कि मुझे ऑरेंज रखना है, ठीक है, ऑरेंज। तो मेरा ये साइडों ऑरेंज हो गया, इसको थोड़ा सब बढ़ा लेते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा, है ना। अगर ये अच्छे भी नहीं लग रहा तो मुझे दूसरा कलर कर लेता हूँ, तो वैसा कि मुझे ऑरेंज ही रख लेना है, ओके। अब ये ऑरेंज कर लिया मैंने, इसको ओके कर देना है। इसको ओके करने के बाद इसके थोड़ा सा नीचे आ जाना है और ये ब्लर्स पे चले जाना है, ठीक है। इस पर जो ब्लर्स आके के भी और थोड़ा इसको 20% रख लेना है और किसी को नहीं छेड़ना है, ठीक है। और इसको फिर से आके ब्लर्स वाले पे और इसको 21% रख लेना और किसी को भी मत छेड़ना है, क्योंकि देखो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसी वैसी कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। अब इतना ही करने के बाद अब तो सबसे पहले इतना काम अपना हो चुका है, तो अब इस ग्लेयर को मैं कर देता हूँ इसको सेव इधर पर। अब इसको इधर पे थोड़ा सा लागे, थोड़ा स्क्रॉल करके इधर पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। इधर पे मैं ताले लगा देता हूँ, ये मेरा कहीं भी हिलेगा नहीं लेयर, ठीक है। इस पर लेयर करने के बाद फिर से मुझे चले जाता हूँ उसके शोरूम पर, जैसे ये वाला थंबनेल चाहिए, अरे ये वाला नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। फिर से इसी पे चले जाना है मुझे और इस पर जाने के बाद ये जोकर वाला ले लेना है, ठीक है। अगर आपके पास कोई सा भी उसका कोई भी दिक्कत नहीं है वैसे, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं रहती है, काफ़ी बच्चा बनेगा अपने ये थंबनेल अपने यूट्यूब के लिए मोनेटाइज के लिए, ठीक है। इसको करने के बाद और सबसे पहले मैं इस पर आ जाता हूँ साइडों पर आने के बाद मुझे ये कौन सी लाइट बढ़िया लगेगी, ठीक है। आपने एक कलर से चॉइस कर लेना आप लोग को, जैसे मुझे ये कलर चाहिए, ठीक है। इसको तो मैं 5% रख लेता हूँ, ठीक है, ओके। 5% होने के बाद अब मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ और नीचे आने के बाद ब्लर इसको ब्लर मार लेते हैं थोड़ा सा, इसको 50% रख लेते हैं, ओके। इसको कर लेते हैं डन। फिर से इस ब्लर वाले ऑप्शन पे आके और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग आपको कर लेना चाहिए यही वाला कलर बिल्कुल सिलेक्ट करके, जिसको ये कलर को सिलेक्ट कर लिया इसको 50% पूरे रख लेता हूँ, ठीक है। अरे ये हटाओ, ये कोई काम का नहीं है हमारा। अब जैसे कि मेरा इतना काम हो चुका है, ठीक है, इतना काम होने के बाद तो मैं इसको जाकर फिर इसको भी सेव कर लेता हूँ, ओके। इसको सेव करने के बाद अब ये मेरी दोनों लेयर हिलेंगी नहीं, अब मुझे अब पीछे लाइट लेना है, ओके। अब फिर मैं इस पर चले जाता हूँ प्लस वाले आइकन पर, उस पर जाने के बाद फिर से इसी पर चले जाता हूँ और अरे यार इसको जाली लाइट नहीं है, इसको डिलीट मारते हैं थोड़ा, इसको बाद में पूरे डिलीट मार देंगे, ओके, कोई बात नहीं है।
नीली वाली लाइट को ले लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। उसको ओके करने के बाद मुझे इस वाले पे रखना है, ठीक है। बीच पे जाकर और फिर से अपने थ्री डॉट पे क्लिक करके इस पर करके और ऐसे कर देना है, ठीक है। अब अपने इसके अंदर लगेंगी आके और देख लेते काफ़ी अच्छा आया, इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा बहुत और ओके लगा गई थंबनेल। ओके, अब जैसे कि मैं और अब जैसे ही मैंने कर लेता हूँ फिर प्लेस वाले आइकन पे जाकर और गैलरी फोन पे करके और जैसे मुझे चाहिए था ये ऑरेंज वाला जैसे कि, ठीक है, ये ऑरेंज चाहिए था मुझे तो मैंने ऑरेंज पे क्लिक कर दिया। इसको लाकर बीच में सेट कर लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं और बड़ा। अब ये इस पर जाके और अपने प्लेस वाले के आगे में आगे इसको पीछे कर लेते हैं। देख रहे कितना औसम लग गया यार थंबनेल, काफ़ी अच्छा लगा मोनेटाइज थंबनेल यार ब्रो। अगर ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपके लिए ऐसी रिलेटेड न्यू वीडियो लाता रहूँगा हमेशा के लिए। और इसको अब जैसे मैं कर लेता हूँ, ठीक है, इस पर फिर से जाकर और जो मुझे इसको लॉक लगा देना है। अब ये हिलेगा नहीं, ओके, अब ये हिलेगा भी नहीं और काफ़ी अच्छे भी लग रहा था। फिर मैं इस पर फिर से जाके फ्रोम पे जाके अब जैसे ही मैं ये करने के बाद, ठीक है, अब मैं टैक्स को ले लेता हूँ। अपने टैक्स पे जाने के बाद प्लस वाले आइकन पे जाने के बाद टैक्स को ले लेता हूँ, ठीक है, और इसको डबल क्लिक कर देते हैं। तो मैं इस पर लिख लेता हूँ फास्ट गेमर, ठीक है। अब जैसे ये मैंने बोल दिया फ़ोन ज़्यादा लिखे और ज़्यादा वीडियो हो जाएगी लंबी, तो मैं इतना करना नहीं चाहता हूँ। इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल करके चलो चलते इतना ही रहने देते हैं। अरे यार फ़ोन थोड़ा सा लैग कर गया है ना, तो अभी रुको इसका कुछ इलाज। हाँ दोस्तों, जैसे कि ए वाले आप ए पे आ गए और ये ए बी पे क्लिक कर देना और आपको इसमें से कोई सा फ़ोन ले लेना। जैसे मैं ये फ़ोन पे क्लिक कर देता हूँ, मुझे ये वाला फ़ोन चाहिए था। तो इस फ़ोन पर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका ब्लर, ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्लर कर लेता हूँ पीछे। और मैं जैसे मेरा ये थंबनेल का पीछे का साइज इसका नीला कलर का आता है, ठीक है, उसको इसको थोड़ा सा नीला कलर ले लेता है और मैं इसको अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं मुझे यही रख लेना है। ओके, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 5% रख लेते हैं। ओके, जैसे आपको भी रख लेना है 5 से 6% हो जाए कोई दिक्कत नहीं है वैसे। और ये ब्लर मैंने ओपन कर देता हूँ, ठीक है, ब्लर पे आने के बाद और मुझे दो कलर चाहिए थे पीछे वाले दो कलर, ठीक है। अब मुझे जैसे मैं इस पर चले जाता हूँ और इस पर दो कलर आ जाते हैं मेरे, ठीक है, पीछे वाले में। इस पर जाने के बाद मैं उसको इनेबल कर देता हूँ और अच्छा लगेगा, काफ़ी बढ़िया लगेगा ऐसा करने के बाद, ठीक है। आप लोगों को भी ऐसी बना लेना चाहिए थंबनेल, तो बहुत बढ़िया लगेगा गेमिंग के लिए थंबनेल। तो अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है, अब इसको इनेबल मतलब ब्लर को कर देता हूँ। ब्लर में काफ़ी देखो कितनी बढ़िया वो आई है क्लियरिटी, और जितना ब्लर करना चाहो उतना कर लेता हूँ। मैं तो 3% ब्लर रख लेता हूँ, ठीक है, और आपको अपने हिसाब से रख लेता है ब्लर। इसको राइडिंग को थोड़ा अलग अलग कर लेना चाहिए, जैसे आपकी मर्जी हो जैसे, तो वैसे रख लेना चाहिए, ठीक है। मुझे इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है, तो मैं अपना ऐसे ही रहने देता हूँ, ऐसे ही बढ़िया लग रहा है, तो इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको ओके करने के बाद मैं इसको सेट कर देता हूँ अच्छे तरीके से, तो रुको, तो इसको मैं सेट कर देता हूँ अच्छे तरीके से बढ़िया से। फास्ट गेमर मैंने इस पर रख देता हूँ, ओके, बढ़िया लग रहा है थोड़ा। अब इस पर मैं क्लिक करके ये वाले अपने ऑप्शन पे जाकर डबल कर देना, ठीक है, इसको डबल करके और इसको इस पर डबल जैसे आ गया मैं थोड़ा ये वाली लेयर पे ओके कर दिया, ठीक है। अभी इसी लेयर पे जाकर मैं वैसे नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, सो फास्ट गेमर है लेजेंड गेमर, तो मैंने इस पर लिख दिया लेजेंड गेमर, ठीक है। अब लेजेंड गेमर पे आके तो सबसे पहले मुझे ये लेजेंड गेमर को अपने इधर पे लगा लेना है। ओके, आप लोगों को भी ऐसी ऐसी वीडियो बनाना है तो आप लोग भी बनाना सीख जाओगे थंबनेल लंबे। आप किसी को से कहोगे भी नहीं कि भाई मेरा थंबनेल बना दो, मेरा ये बना दो, तो मुझे ऑरेंज कलर का ले लेना है, ठीक है। पीछे का मुझे ऑरेंज लेना है तो मुझे ऑरेंज रख लेता हूँ, थोड़ा मैं ऑरेंज ले लेता हूँ, ठीक है। इसको ऑरेंज पे ओके करने के बाद मैं इस पर ब्लर्स पे आके ये वाला कर देना, ठीक है,
जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग को कर लेना चाहिए, काफ़ी अच्छा भी लगेगा थंबनेल बनने में भी। और जल्दी से यार भाई मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं यार, तो कम से कम डीमोटिवेट मुझे तो ना करना, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँ हमेशा के लिए, ठीक है। तो मैं ऐसे ही लाता रहूँगा हमेशा आपके लिए वीडियो, तो ठीक है। अब ज़्यादा इसको छेड़छाड़ नहीं करते हैं, इसको नहीं रहने देते हैं, इसको थोड़ा ऐसी लेयर आ जाती है, ठीक है। ये देख लेते हैं काफ़ी अच्छा लगता है थंबनेल, तो मैं इसको थोड़ा सा फॉन्ट और बना लेता हूँ अभी आप लोगों को लिख दिया। जैसे मैं टेक्स्ट पे आया हूँ, टेक्स्ट पे डबल टैप करते हैं, मुझे अपने लिखने के बाद एस, अरे एस कहाँ है यार, एस वी, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। एस वी रख लेता हूँ, मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है। इस पर डन करने के बाद ओके कर लेता हूँ, ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग को भी बड़ा कर लेना चाहिए, काफ़ी अच्छा लगेगा ये बड़ा होकर। और ये थोड़ा इसको घुमा लेते हैं, इसको बीच में रख लेते हैं, ओके। इसको भी फॉन्ट में जाकर ए अबाउट फॉन्ट पे जाकर और उसका चेंज कर लेते हैं, मुझे ये वाला रखना है, ठीक है। ओके करके और इस पर आके थोड़ा सा ब्लर दे देते हैं, इसमें काफ़ी बढ़िया लगेगा, तो मैंने इस वाला ब्लर दे दिया, ठीक है। कोई सा भी दे दो आप, आपकी मर्ज़ी है, कोई सा ब्लर देना चाहते हो, तो मैंने ये वाला ब्लर दे दिया, सब कोई मतलब नहीं, लेकिन अच्छा लगेगा ये ब्लर है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। काफ़ी मज़ेदार चीज़ लगेगी यार, तुम भी कहो कि हाँ कुछ भाई ने सिखाया है एडिटर भाई ने, तो आप लोगों के लिए ऐसी बढ़िया चीज़ मिल जाता रहूँगा यार। जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को, तो उसका साइड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, उसको कलर भी कोई सा भी पीछे रख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं रेड रेड ही रहने देता हूँ, ठीक है। रेड कलर रहने के बाद मैं ओके कर देता हूँ, इसको नीचे लेयर आ रही, जैसे देखो आपको दिख रही होगी नीचे की तरफ, तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो थोड़ा सा रहने दे, इसको पूरा माइनस कर सकते, ओके। तो ठीक है गाइस, मेरा थंबनेल बन गए, लक्ष्य तैयार हो चुका है, तो मैं इसको कर लेते हैं सेव, हाई पे जा गए इस पर मैं, ठीक है, इस पर सेव कर लेता हूँ, हाई क्वालिटी में हो जाएगी सेव। तो सर गाइस कैसा लगा हुआ है?